हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आपको, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन हर लोग अपने घरों में अलग अलग मिठाई बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। तो हर कास्ट के लोग अलग अलग तरह के मिठाइयां बनाते हैं और भगवान जी को भी चढ़ाते भी है। तो हम बंगाली है तो बंगाली में भी अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उसका नाम है नौबन्नो मिठाई। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी मम्मी बनाएगी और आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं। वैसे सुबह सुबह बनाना चाहिए था तो मम्मी को टाइम नहीं मिला, क्योंकि मम्मी गई थी मंदिर को। मंदिर में जाके भी, मतलब हमारे जो गांव है, गांव का जो मंदिर है, वहाँ पे जाके भी बनाना था, पूजा करना था, तो वहाँ पे जाके किया, इसलिए मम्मी को टाइम नहीं मिला। तो मैं अभी आपको ये रेसिपी शेयर करूँगी कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं गाइस। ये मम्मी ने हल्के गर्म पानी में चीनी डाल दिया और इसको अच्छे से हिला रही है ताकि चीनी मिक्स हो जाए। फिर आधा अदरक, फिर इस पे मम्मी ने अदरक डाला, अदरक डालने के बाद फिर भी उसको मिक्स किया। अब इसमें डाल रही है ये नारियल, थोड़ा थोड़ा करके नारियल डालना चाहिए। ये नारियल डाल दिया मम्मी ने, की डालवा चावल की आटा। अब इसमें मम्मी डालेगी चावल का आटा एक कटोरी। मम्मी ने एक कटोरी आटा डाल दिया चावल का। अब इसको अच्छे से हिला रही है। ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मिठाई जो इसमें, ये ज़्यादा मतलब पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ऐसे बनाना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो गाइस, ये मिठाई हमारे मंदिर में भी बनाए गए थे, तो पूरे पूरे मतलब गांव में ये प्रसाद प्रसाद के रूप में बांटे गए थे और घरों में भी बनाते हैं ये मिठाई आज के दिन, और भगवान जी को भी दिए जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। देखो गाइस, ये दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। देखो ये कितना इजी रेसिपी है, आप भी अपने घरों में ये ट्राई कर सकते हो, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। दोस्तों, ये नौबन्नो मतलब मिठाई बनकर तैयार है। अब ये मिठाई सबसे पहले भगवान को दिए जाएंगे, इसलिए मम्मी
कटोरी लेके आई है, उसमें भगवान जी को देंगे, फिर जाके सबको की कटोरी है, ये तांबे की कटोरी है, इसमें भगवान जी को प्रसाद दिए जाते हैं। तो ये भगवान जी को मम्मी प्रसाद चढ़ा दिया। गाइस मम्मी को पूजा करना तो हो गया, पूजा करने के बाद अब मैं सबको दे दिया ये प्रसाद, तो मैं भी लाई हूँ ये खाने के लिए। ये देखो इस ये नवन्नो है मिठाई, जो कि इसमें परमल डाल के खाए जाते हैं, इससे और भी टेस्टी लगता है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करना, मम्मी की रेसिपी है। तो आप सभी को फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है और मम्मी की रेसिपी कैसी लगी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो ला सकूं। तो आज के लिए बाय।